मानो या ना मानो, बाप बनने की खबर जो तुम्हारी तरफ से मिली है उसकी अलग ही खुशी है। जिससे शायद मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। रमशा दीदी, ये अफनान साहब ने ड्रेस दिया है कि आप पहन के तैयार हो जाए, किसी पार्टी में जाना है। उनका फोन आया है, वो बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मुझे कहा था यार रेजी को, एक काम करो अफनान को कॉल करके पता कर लो, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समझा, इस दफा अगर तुम्हारा टूटी ना तो समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका ये बदलता हुआ रवैया मुझे समझ नहीं आ। अचानक से नैना मिजाजी से आप इतने कड़वे मिजाज पर उतर आते हैं, मैं समझ नहीं पाती। मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है कि आपके हर वक्त बदलते रवैये को बर्दाश्त कर सके। कभी तुमने मेरी धड़कनों की बेकरारी नहीं सुनी, मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए बेकरार है हमजा। मैं तुमसे मोहब्बत करती, मैं तुम्हें चाहती हूँ। प्यार वो दिल का फैसला होता है और मेरा दिल तुम्हारे लिए नहीं धड़कता। दर्द तेरा है दिल में छुपा के कैसे जी। सफर मोहब्बत का हो या नफरत का, अकेला इंसान टूट के बिखर जाता है। सना, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैंने जिससे मोहब्बत करनी थी मैंने उसे कर ली। वापस चली जाओ, वापस जाने का रास्ता नहीं है मेरे पास। दिल भर गया इस प्यार से। शाबाश, दुश्मन का बेटी से मेल मिलाप हो रहा है। ये अब चना खान का बीवी है कुलवरी। और चलो चलो, हमको मत समझाओ ये कौन है और कौन नहीं है। इस घर में उसका वैसा ही औकात है जैसा बरेरा का। अभी तुम्हारा जख्म ठीक नहीं है मेरा दोस्त, इसको भर नहीं दो। जब तक मेरे दुश्मन का खून का मरहम नहीं लगेगा ये नहीं भरेगा। हाँ तो लगाएगा ना, दुश्मन के खून का मरहम ही तो लगाएगा। बस थोड़ा सा सबर करो, अभी हर तरफ ये खबर फैला हुआ है कि तुम मर गए, ये इसका फायदा उठाओ। यारा वो लड़का किधर है जिसका सालगिरह मल गिरा है? बाबा लड़का किधर है, अब वो जवान हो गया है। आज उससे फायरिंग करवाओ, ये केक बेक ये जरा ना काम है, कैदी लोगों का है। जो सीनों में गोलियां उतारता हो उसको हवाई फायरिंग से कोई मना करे तो उसके लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन मैंने भी सोच लिया कि आज हम फायरिंग किए बगैर सोएगा नहीं। तो फिर ऐसा करो, ऊपर छत पे चलो, जाओ वहां जाके फायरिंग भी देखो और फायरिंग करो भी। शादी तो तेरी टल गई है, गुलाब के केस का क्या करना? अनंत गुलाब का नोटिस वापस लिख रही है, उसने कहा मुझसे। इसके बाद क्या करोगे? वो तेरे साथ चली जाएगी, उसके भाई वो उसको उस घर में जाने की इजाजत दे देंगे। दे हैव टू, नहीं रोक सकते यार, हम ये पीवी हैं, फैसला तो हमने ही करना है। सीरियसली 3 महीने हो गए तुम्हें घर वापस आए हुए, क्या चल रहा है भाई? You care to enlighten me? भाभी मैंने कुछ गलत नहीं की। Shut up मन्नत, मुझे तुम्हारी justification नहीं सुननी, मुझे facts चाहिए।
I want to know what's going on. Each and everything. जेवर बेच के हक मैर अदा कर ते फारे कर उस मन्नत नू। लेकिन खाला देख ना पुत्र, खाला दे ख्याल कर ले। कदों तिकर मैं जवान धी नू लेके ताड़े दर ते बैठी रवा। आप एक सेकंड रुके, मैं बात करवाती हूं। सितारा दा ब्याह हो जावे खैर दे नाल, ते मैं भी सुख दा सान आवां, फिर अपने घर वापस जावां। सब मेरा शहजादा पुत्र, मां दी गल मन ले। अम्मी, मन्नत भाभी के घर से फोन आया। मेरा दिल मेरे वजूद आपके नजरों के हिसार में कह दे। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा हाथ मैंने है? सारी दुनिया से लड़के इसलिए था मैं ताकि छोड़ दो एक दिन। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता। कम से कम इसको इतना तो समझा देते कि हमारे घर का तौर तरीका और अंदाज क्या है। ऐसा हुलिया तो हमारी मेड्स का भी नहीं। मम्मी, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हीरे की कदर तो जोहरी ही जानता है। को कॉल करें ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बेल जा रही है, उठा नहीं रही। तो सलमान को कर ले। ऐसी हालत में तो एहतियात करनी चाहिए थी, और मां सीढ़ियों से गिर गई। बच्चे को भी नुकसान हो सकता था, मां को तो चोटियां आई हैं। देखिए डॉक्टर, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। उरूज सीढ़ियों से उतर रही थी, अंधेरा था, उसका पैर पिसला तो वो जमीन पे गिर गई बस। ये कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी आसानी से तुमने सुना दी। आपका सच बिल्कुल ठीक है। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू